हेलो फ्रेंड्स, सो नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ दिस ईयर आईएएस मेंस जीएस पेपर 2. सो क्वेश्चन नंबर 17 इज अबाउट द माइक्रो फाइनेंस एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. सो द क्वेश्चन इज माइक्रो फाइनेंस एज एन एंटी पॉवर्टी वैक्सीन इज एम्ड एट एसेट क्रिएशन एंड इनकम सिक्योरिटी ऑफ द रूरल पुअर इन इंडिया. सो दिस इज अ स्टेटमेंट. सो दे आर सेइंग कि माइक्रो फाइनेंस इज द एंटी पॉवर्टी वैक्सीन. सो माइक्रो फाइनेंस is that is being used as anti-poverty vaccine, or it is removing the poverty in the from the rural area, and it is used as an anti-poverty vaccine. Plus it is also aimed at asset creation, so it is creating assets and providing income security to the poor. So in the context of microfinance, we need to evaluate the role of self-help groups along with empowering women. So we need to analyze the role of self help groups, ठीक है, in providing what a asset creation. भाई self help group asset creation कर रहा है और क्या कर रहा है, और income security दिख कर रहा है एंड वुमेन एम्पावरमेंट कर रहा है. एंड हाउ इट इज डूइंग दैट, बिकॉज सेल्फ हेल्प ग्रुप इज एक्टिंग एज ए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, दैट इज वाई. सो इन दिस सिनेरियो वी नीड टू एनालाइज वेदर self-help group is acting as a microfinance institution and providing the income security, empowering the women, as well as creating the durable community assets in the rural area. So therefore in the question we need to see. We need to evaluate the role of self-help groups. So first we will introduce what is microfinance. Okay, so starting with the answer. So what is microfinance? So microfinance, as you know, is a provision of providing loans or capital loans or insurance and capital loans, then insurance and investment, okay, to the impoverished, यानी कि poor sections, okay, so poor sections of society. So microfinance is providing provision of loans, capital. So we need to provide them required capital. टू दी इम्पोवरी सेक्शन, यानी कि जो पुअर पीपल है उनको हमें कैपिटल लोन देने हैं, ठीक है, पैसा देना है, लोन देना है, इंश्योरेंस फैसिलिटीज देनी है, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनको इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स देने हैं या फिर इन्वेस्टमेंट सर्विसेज देनी है, ताकि वो पैसा जो है अपना इन्वेस्टमेंट पैसा जो है अच्छी तरह प्रॉपरली किसी एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में लगा सकें, ठीक है. तो इन्वेस्टमेंट सर्विसेज देनी है, इंश्योरेंस सर्विसेज देनी है, कैपिटल सर्विसेज देनी है. तो दिस इज कॉल्ड माइक्रो फाइनेंस. अब आप समझिए माइक्रो यहाँ पे क्या है, माइक्रो है छोटे लेवल पे. अब आपको पता है क्योंकि पुअर सेक्शंस के लिए लाख, दो लाख, तीन लाख भी बहुत बड़ी रकम है, ठीक है, दैट इज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ माइक्रो फाइनेंस. सो प्रेजेंटली देयर इज अ लिमिट ऑफ अराउंड 1.25 लाख. तो 1.25 लाख की लिमिट है माइक्रो फाइनेंस में, यानी कि इतनी
इतना ही बोरोइंग कर की जा सकती है अंडर द कैटेगरी ऑफ माइक्रो फाइनेंस. सो इफ ए पुअर पीपल और पर्सन इन अ रूरल एरिया इज बोरोइंग सम कैपिटल फ्रॉम दी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और इवन फ्रॉम अ ऑर्गेनाइज बैंक, सो द लिमिट पर पर्सन टू बोरो इज 1 rupees 1.25 lakh. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड माइक्रो फाइनेंस, छोटा अमाउंट ऑफ मनी. ठीक है, तो ये माइक्रो फाइनेंस है. अब माइक्रो फाइनेंस क्यों चाहिए? अब बेसिकली रूरल पुअर के साथ जब पुअर पीपल हु आर रिजाइडिंग इन रूरल एरियाज, उनके पास यही एक प्रॉब्लम है क्योंकि उनको इंस्टीट्यूशनल मोड ऑफ क्रेडिट अवेलेबल नहीं है. इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट यानी कि बैंक से उनको क्रेडिट नहीं मिलता है. अब क्यों नहीं मिलता है बैंक से क्रेडिट? क्योंकि उनकी बार्गेनिंग पावर नहीं है कि वो बैंक से पैसा ले सकें. बिकॉज दे डोंट हैव अ कोलेटरल टू लैंड टू दी बैंक्स. सो बिकॉज आप इसमें लिख सकते हैं इश्यूज विद दी इश्यूज. क्या इश्यूज है? रूरल सिंपल लिख दो, नो कोलेटरल. सो उनके पास कोलेटरल नहीं है देने के लिए टू लैंड टू दी बैंक्स. देयरफॉर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कोलेटरल दे डोंट गेट ऑर्गेनाइज फाइनेंस, ऑर्गेनाइज मोड ऑफ फाइनेंस और द फाइनेंस फ्रॉम द बैंक टू. क्यों चाहिए फाइनेंस? इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट और ए न्यू, इफ यू वॉन्ट टू यू नो क्रिएट सम ड्यूरेबल एसेट्स, लाइक अगर वो कोई एक दुकान खोलना चाहते हैं, अगर वो कोई काम करना चाहते हैं, अपना कोई पोट्री का काम करना चाहते हैं, अपना कोई यू नो कोई टेलरिंग का काम करना चाहते हैं, अपनी कोई ग्रोसरी शॉप खोलना चाहते हैं, अपना कोई टूल्स शॉप खोलना चाहते हैं, कोई पंक्चर शॉप खोलना चाहते हैं, तो अगर वो 1-1.5 lakh rupees उन्हें अगर चाहिए तो वो भी नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनको इंस्टीट्यूशनल मोड ऑफ क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो कोलेटरल नहीं दे पाते. सेकेंड, लैक ऑफ बार्गेनिंग पावर. ठीक है, बार्गेनिंग पावर नहीं है उनके पास. ठीक है, क्यों? क्योंकि एक बंदा गया, अगर मान लीजिए बैंक में पैसा लेने, तो उसको पैसा ही नहीं मिलता है क्योंकि वो क्या प्रूव करेगा कितनी इनकम है उसकी, और ये वो कैसे दिखाएगा कि वो कैसे रीपे करेगा डेब्ट को. तो लैक ऑफ बार्गेनिंग पावर. ठीक है, लैक ऑफ रीच टू बैंक्स. बैंक्स की तरफ रीच भी नहीं है उनका, यानी कि जो बैंक्स की सर्विसेज हैं जो बैंक्स दे रहा है, एक तो बैंक्स की ब्रांचेस भी अभी बहुत विलेजेस में नहीं है. जो हमारे जो है फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम है उनकी बहुत बैंक्स की ब्रांचेस भी अवेलेबल नहीं है बहुत आउटस्कर्ट रूरल एरियाज में, और उनका भी रीच नहीं है बैंक्स में, बैंक्स की तरफ. क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ बींग इलिटरेट एंड बिकॉज ऑफ lack of awareness, they have very less reach to banks. तो banks को भी इसमें आगे आना होगा ताकि वो अपने product जो हैं, जो भी वो product निकाल रहे हैं for the welfare of you know for the welfare of these people, जो भी products उनके उनको उनके उनके welfare के लिए हैं, ताकि उनको products उन तक पहुंच सके, उसके लिए जो information चाहिए, information flow from banks to these people, दैट इज लैकिंग. तो बैंक्स को कुछ ना कुछ मैकेनिज्म निकालना चाहिए ताकि जो इन्फॉर्मेशन फ्लो है वो स्मूथ किया जा सके, और जो रीच नहीं है बैंक्स की अभी उन तक और उनकी बैंक्स तक, उस रीच को एंश्योर किया जा सके, फ्री फ्लो किया जा सके. ठीक है, लैक ऑफ रीच ऑफ बैंक्स. हाँ, सो अदर देन दिस दे हैव वीक नेटवर्क, है ना, वीक. Lack of reach to banks and weak network of banks. Banks का भी network बहुत poor है, जो मैंने बताया उनका banks की तरफ reach poor है और weak network of banks is also there. So due to these issues, they have very poor or very you can say lack of institutional credit. That is why the microfinance facilities are least available to them. जो government ने उनके लिए microfinance facilities की हैं, जो फॉर्मल बैंकिंग फैसिलिटी है वो उनके लिए अवेलेबल नहीं हो पाती है. इसीलिए माइक्रो फाइनेंस एक टर्मिनोलॉजी या एक कंसेप्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन विच दे विल बी दे बिकॉज दे डोंट हैव द फॉर्मल रीच टू द बैंक्स एंड दे आर नॉट पार्ट ऑफ द फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम. अभी हो गए हैं क्योंकि मुद्रा
योजना के बाद तो ये हो गए हैं, बाकी ये हमारे जो भी रूरल पीपल है जो कि पहले अभी जो फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे लेकिन अभी फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में आ गए हैं, लेकिन क्योंकि पहले ये नहीं होते थे बिफोर इंट्रोड्यूसिंग दी मुद्रा योजना से पहले, तो इसलिए ये माइक्रो फाइनेंस का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। और माइक्रो फाइनेंस ये जो पैसा था, माइक्रो फाइनेंस है ना, सो माइक्रो फाइनेंस जो था ये फाइनेंस कौन देता था, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन देते थे, MFIs, ठीक है, MFIs। और MFIs को कौन फंड करेगा, नाबार्ड या फिर फॉर्मल बैंक्स। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को बढ़ावा दिया गया ताकि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस इन ऐसी कम्युनिटीज जिनका रीच फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम तक नहीं है, वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से विदाउट एनी कोलेटरल पैसा ले सकें। अब लेकिन इशू उसमें भी है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को भी कुछ ना कुछ इंश्योरिटी चाहिए कि गारंटी चाहिए कि उनका पैसा जो भी वो दे रहे हैं 1 लाख 1.5 लाख जितना भी दे रहे हैं, 1.25 है पर पर्सन, तो वो सिक्योर्ड रहे और वो रीपे कर सकें। तो इसके लिए बेस्ट मैकेनिज्म जो देखा गया वो देखा गया सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इज नथिंग बट अ मैकेनिज्म टू प्रोवाइड माइक्रो फाइनेंस सर्विसेज टू दी पुअर। सो माइक्रो फाइनेंस सर्विसेज को पुअर को प्रोवाइड करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया गया जो कि 1970 अराउंड किया गया। सेवा आप जानते हैं, सेवा दैट इज जो अहमदाबाद में शुरू हुई और वहां से ये स्टार्ट हुआ और तब से इतने इतने ऑल ओवर इंडिया ये फैल गया है। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के वजह से बहुत सारी हमारे जो वुमेन हैं एम्पावर्ड हुई हैं, हमारे रूरल पुअर को पैसा मिला है, वो अपने पैरों पे खड़े हुए हैं और बहुत लोगों को पावर्टी से बाहर आने के लिए ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उससे बहुत मदद मिली है। तो हम पहले पढ़ लेते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मैकेनिज्म है क्या। व्हाट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, सो इट इज अ इनफॉर्मल एसोसिएशन। अब इसमें क्या होता है ना, इनफॉर्मल एसोसिएशन आप मान लीजिए ऑफ टेन टू ट्वेल्व पर्सन, इसकी लिमिट है कुछ अराउंड इतने मेंबर्स ही हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। इनफॉर्मल एसोसिएशन ऑफ 10 to 12 पर्सन, उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई, ठीक है, हैविंग सिमिलर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, जो सिमिलर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, यानी कि जिनके पास सेम सेम बैकग्राउंड है सोशियो, यानी कि सेम दे कैन यू नो एक ही विलेज से हो सकते हैं, सेम सोशियो बैकग्राउंड, एक तरह के एजुकेशन वाले हो सकते हैं जिनको एक ही तरह की एजुकेशन हो, यानी कि 10वीं पास हो सारे, या फिर इलिटरेट पीपल का एक आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप बना दिया, तो एक सोशियो एंड इकोनॉमिक जिनके पास सेम लेवल हो फाइनेंसिस का भी, तो हैविंग सिमिलर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड उनकी इनफॉर्मल एसोसिएशन बना दी आपने। एंड व्हाट दिस एसोसिएशन इज डूइंग टू कम आउट, सो व्हाट दिस एसोसिएशन इज डूइंग, सो इन द फॉर्म ऑफ सो दीज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, सो व्हाट दे आर डूइंग, जस्ट अ मिनट, टू कम टूगेदर टू फाइंड वेज टू कम आउट ऑफ देयर प्रेजेंट सिचुएशन, है ना, प्रेजेंट सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन। एक्चुअली आपने क्या किया, इनफॉर्मल एसोसिएशन बनाई 10-12 पर्सन्स की जिनका सिमिलर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड था, और क्यों बनाई, जिससे वो साथ में आए और वेज फाइंड आउट करें टू कम आउट ऑफ देयर प्रेजेंट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड।
सिचुएशन, तो जो उनकी अभी प्रेजेंट सिचुएशन है जहाँ पे वो डिप्राइव्ड है, जहाँ पे वो इलिटरेट है, जहाँ पे वो पुअर है, या जो भी इश्यूज उनके साथ हैं, तो वो किसी एक पर्टिकुलर सोच के साथ उन्होंने ग्रुप बनाया है, और उस ग्रुप को दैट इज एन इनफॉर्मल एसोसिएशन, कोई एक फॉर्मल एसोसिएशन नहीं है, इनफॉर्मल एसोसिएशन है, तो 10-12 लोग मिलके उन्होंने एक ग्रुप बनाया है। तो वो क्या है, बेसिकली सोचेंगे, बैठेंगे, सोचेंगे कि कैसे इस सिचुएशन से जो अभी प्रेजेंट है उससे बाहर आ सके। तो अब इसमें इसका एडवांटेज क्या है, एक एसोसिएशन तो बन गई, अभी क्या कर सकती है बेसिकली, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो वी विल स्टडी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। एडवांटेजेस, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एक्ट एज द लैंडिंग इंस्टीट्यूशन टू द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, है ना। वो क्या कर सकते हैं, लैंडिंग इंस्टीट्यूशन की तरह एक्ट कर सकते हैं। लैंडिंग मतलब पैसा दे सकते हैं किसको, जो भी मेंबर्स हैं ग्रुप के, जो ए से लेकर मान लो A1 से लेकर A10 तक मेंबर्स हैं, तो ये सारे क्या करेंगे ना, बट दे विल डू वो ऑल 10 मेंबर्स, दे विल हैव सम डिपॉजिट ऑफ सम अमाउंट ऑफ मनी, ईच मेंबर विल डिपॉजिट सम अमाउंट ऑफ मनी इन अ सेंट्रल कॉर्पस, एंड देन फॉर एग्जांपल इफ ऑल आर डिपॉजिटिंग फॉर एग्जांपल 5000 रुपीस, सो इफ 10 मेंबर्स आर देयर, सो 50,000 हैव बीन डिपॉजिटेड। नाउ विद दिस 50,000 व्हाट दे कैन डू, either they can do, they can, if the person A1 has 5,000 and A2 has 5,000, all have 5,000, now what they can do, they can lend this 50,000 to, for example, A3, to any member of the group who wants the money for some purpose, what purpose, for some developmental purpose, like for example, agar uski koi dukaan hai, to apni dukaan mein agar wo paisa lagana chahta hai, to wo udhar le sakta hai, विदाउट एनी कोलेटरल, लेकिन आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो ब्याज क्या होगा, ये ग्रुप बैठ के फिक्स करेगा, मार्केट रेट पे दे या फिर मार्केट रेट से कम रेट पे दे, वो एक आपस में पूरा ग्रुप बैठ के दे विल फिक्स द इंटरेस्ट रेट, एंड यूजिंग दैट इंटरेस्ट रेट, विद दिस दैट इंटरेस्ट रेट दे गिव द मनी टू एनी मेंबर ऑफ द ग्रुप, और दे कैन लैंड दिस मनी टू आउटसाइड वर्ल्ड ऑल्सो, किसी बाहर के बंदे को भी दे सकते हैं। तो लैंडिंग टू एंड आउटसाइड, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उनको इंटरेस्ट अर्निंग होगी, ठीक है ना, इंटरेस्ट अर्निंग होगी उससे, और जिसने जिसको पैसा दिया उस पैसे को यूज करके अपना बिजनेस या अपना काम डेवलप कर सकता है। तो बेसिकली क्या हुआ, अब इंटरेस्ट मिलेगा तो इंटरेस्ट सब लोगों में बटेगा, तो उनकी अर्निंग शुरू हुई, तो एक तरह से इनकम जनरेशन स्टार्ट हो गई, इनकम जनरेशन शुरू हो गई, है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप से। सो इनकम सिक्योरिटी जो पॉइंट है, एसेट क्रिएशन, इनकम सिक्योरिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट, तो इनकम जनरेशन तो शुरू हो गई ना भाई यहां से। या फिर आप एक काम और कर सकते थे, वो 50,000 से आपको एक बिजनेस खोल सकते थे, मान लीजिए आपने एक टेलर शॉप खोल ली और 10 के 10 मेंबर्स उसमें काम कर रहे हैं, कोई कपड़ा सील रहा है, कोई जो है स्टिचिंग कर रहा है, दो तीन लोग कपड़ा स्टिचिंग कर रहे हैं, कुछ स्विंग कर रहे हैं, कुछ और कुछ काम कर रहे हैं उसके अंदर, ठीक है ना, अलग अलग काम कर सकते हैं, और सबके लिए इनकम जनरेशन एक वो हो गया, तो ये एसेट क्रिएशन हो गया, यानी कि दे हैव क्रिएटेड अ एसेट, दे हैव ओपन अ टेलरिंग शॉप एंड दे हैव क्रिएटेड अ एसेट। एसेट क्रिएशन का क्या मतलब होता है, एसेट क्रिएशन मतलब कि जो अभी तक ऐसा कुछ नहीं था आपके पास और आपने कोई एक एसेट क्रिएट कर लिया जो आपको लाइफ लॉन्ग जो है आपको कुछ ना कुछ आपकी इनकम जनरेशन चलती रही। जैसे एसेट मतलब यू हैव क्रिएटेड सम फिजिकल एसेट जहाँ से आपकी इनकम जनरेशन चलती रहे, ठीक है। तो टेलरिंग शॉप खोल ली, ग्रोसरी शॉप खोल ली आपने, कोई एक टूल रिपेयर शॉप खोल ली,
या आपने कोई हैंडीक्राफ्ट रिलेटेड कोई आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, सो दैट इज बेसिकली फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, है ना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए आपने बेसिकली एडवांटेज इसका यही है कि इट बेसिकली एनकरेजेस द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. सो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आपकी इससे एंश्योर होती है सेल्फ हेल्प ग्रुप से. और जो मैंने बोला था कि लेंडिंग माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के रिएक्ट कर सकता है क्योंकि इसने क्या किया, लेंड किया पैसा, ठीक है ना, मार्केट रेट पे. तो जो पैसा अभी तक इसको 5,000 ही थे तो उसको 50,000 मिल गए, मिल सकते हैं ना, ले सकता है कब चाहे तो उस सेंट्रल कॉर्पस से. बट इट हैज़ टू रिटर्न द मनी टू द सेंट्रल कॉर्पस विद द इंटरेस्ट मनी ऑल्सो, ठीक है. तो एक तरह से सबका इसे वेलफेयर इंश्योर हुआ और गवर्नमेंट को भी इसमें ज्यादा इंटरफेयर करना नहीं पड़ा, ठीक है ना, लोगों ने आपस में ही अपना वेलफेयर इंश्योर कर लिया. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेल्फ हेल्प ग्रुप का. उसके अलावा इट एक्ट एज कलेक्टिव गारंटी सिस्टम, है ना. अब क्या हुआ, आप क्या करोगे सेल्फ हेल्प ग्रुप का कि गारंटीड सिस्टम भी बन सकते हो, यानी कि आपने 50,000 इकट्ठे किए और आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, एक अकाउंट खोला सेल्फ हेल्प ग्रुप का, विच इज अलाउड, यू कैन ओपन ए सेल्फ हेल्प ग्रुप अकाउंट इन एनी बैंक, दैट इज बीइंग अलाउड. तो आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप का अकाउंट खोला और उसमें आपने 50,000 जमा कर दिए और विद दिस यूजिंग दिस अकाउंट यू कैन टेक 1,00,000 रुपीज सब्जेक्ट टू लिमिट ऑफ 1.25 1,00,000 रुपीज फ्रॉम दी बैंक एज लोन, ठीक है. आपने 1,00,000 रुपए लोन पे ले लिया, 1,00,000 रुपए 1.25 आपने लोन पे ले लिया. तो इससे क्या हुआ, आप जरूरी नहीं आप 50,000 जमा करो, आपने 10,000 जमा कर दिए, 40,000 आपने अपने पास अलग रख लिए और आपने 1,00,000 रुपए का लोन ले लिया. लोन कैसे मिला, कलेक्टिव गारंटी, क्योंकि कलेक्टिव गारंटी किसकी थी, इन ग्रुप्स की थी. नाउ these groups, so these groups work as a collective guarantee system and to borrow from a formal banking system. So what they can do, the poor collect their savings and deposit it in the banks. In return, they get access to loans with, अब इसमें क्या है, small rate of interest, क्योंकि banks का तो interest rate कम होता है as compared to the private. तो इससे इनको small interest rate पे loan मिल गया, जिससे वो अपनी कोई एक business या micro enterprise, MSME जिसको बोलते हैं, माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम, तो माइक्रो एंटरप्राइज ही ओपन कर सकते हैं. तो कलेक्टिव गारंटी सिस्टम इससे इनको मिल गया, तो बहुत तगड़ा एडवांटेज है ये, बहुत स्ट्रॉन्ग एडवांटेज है. इट्स वर्क्स एक्स एज ए कलेक्टिव गारंटी सिस्टम टू गेट इजी एक्सेस टू लोन्स. ठीक है. उसके अलावा एसेट क्रिएशन मैंने आपको बता ही दिया. अच्छा, एक मैं आपको बता दूं, दैट इज दी एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, दैट इज द लार्जेस्ट एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम एंड दैट इज द लार्जेस्ट प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना, दैट इज यू गेट मतलब ऑफ द गवर्नमेंट नहीं, इन द वर्ल्ड इट इज द लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम, लार्जेस्ट एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम. इसने अभी तक बहुत ज्यादा मतलब अराउंड 50,00,000 एसएचजी को इन्होंने लोन बांटा है, इस बैंक के तहत लोन मिला है, इस स्कीम के तहत एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम के तहत बहुत अराउंड 50,00,000 एसएचजी, लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम एंड विद दिस स्कीम 50,00,000 SHGs have got collateral free loans. ठीक है, तो बैंक से लोन मिलता है इसमें, बैंक विल गिव लोन टू SHG डायरेक्टली, डायरेक्ट लोन है. ठीक है, एंड जस्ट अ मिनट, प्लस
और साथ में क्योंकि आप जानते हैं बैंक्स की प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो बैंक्स को करनी है, अराउंड 40% ऑफ देयर मनी दे हैव टू लेंड टू प्रायोरिटी सेक्टर एंड गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड SHGs एज प्रायोरिटी सेक्टर. ये प्रायोरिटी सेक्टर में आता है, गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया हुआ है, इंक्लूडेड SHGs प्राइवेट एज प्रायोरिटी सेक्टर. सो बैंक्स हैव टू यू नो गिव लोन टू SHGs अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग स्कीम. और उसके अलावा बैंक्स रीफाइनेंस भी करते हैं MFIs को, ठीक है ना. दे कैन डायरेक्टली गिव लोन टू SHGs प्लस बैंक्स ऑल्सो रीफाइनेंस MFGs टू गिव लोन टू SHGs. और जो गवर्नमेंट की आप मुद्रा योजना आप जानते ही हैं, मुद्रा योजना में हर पुअर पर्सन को 1 लाख का लोन मिल रहा है अंडर मुद्रा योजना, ठीक है. एंड दैट इज ऑल्सो अगेन द लोन. तो अगर आप अकाउंट खोलते हैं अपने बैंक में तो आपको उसके अगेंस्ट, उस अकाउंट के अगेंस्ट यू कैन गेट 1 लाख लोन एंड विद दैट 1 लाख रुपीज यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस. तो वहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप की भी जरूरत नहीं है. मुद्रा योजना के तहत आपको 1 लाख रुपये मिलते हैं, ठीक है. बट यहाँ पे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के एडवांटेज आपको अभी तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की बता रहे हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि आप लेंडिंग कर सकते हो, आप कोलेटरल फ्री, आप कलेक्टिव गारंटी सिस्टम की तरह एक्ट करते हो ताकि आपको बैंक से लोन मिल सके. जो बैंक लिंकेज प्रोग्राम है इसके तहत SHGs को लोन मिल रहा है. उसके अलावा बैंक्स रीफाइनेंस कर रहे हैं MFIs को टू, और MFIs इन टर्न इज गिविंग लोन टू SHGs, ठीक है. उसके अलावा SHGs आर इंक्रीजिंग फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ रूरल पुअर, है ना. रूरल पुअर की फंक्शनल कैपेसिटी भी वो इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि उनकी फंक्शनल कैपेसिटी, यानी कि फंक्शनल तो वो कर ही रहे. अब वो फंक्शनल क्या करते हैं ना, अब आप मान लीजिए आपके पास क्योंकि पैसा नहीं है तो आप कोई भी बिजनेस करते हैं छोटा मोटा, तो यू कैन नॉट जनरेट एनफ अमाउंट ऑफ मनी, आप ज़्यादा अच्छा इनकम जनरेट नहीं कर सकते. बट इफ़ यू आर पार्ट ऑफ ए ग्रुप एंड यू हैव कलेक्टिवली स्टार्टेड अ बिजनेस एंड देन यू आर कंट्रीब्यूटिंग इन दैट बिजनेस एंड यू नो एंड इफ दैट बिजनेस इज ग्रोइंग सो योर इनकम इज ऑल्सो ग्रोइंग इन दैट रेशो ऑल्सो. So if your business is increasing to multifold, so your income is also increasing multifold. So it means it has increased your functional capacity also. क्योंकि अभी SHGs के training programs भी होते हैं, training programs. तो training program से क्या होता है ना, उनकी functional capacity भी बढ़ जाती है, उनको training दी जाती है. कोई भी अगर काम शुरू करते हैं, मान लीजिए tailoring shop खुली, तो tailoring का अगर उनको काम नहीं आता तो उनको tailoring की उनको स्किल डेवलप की जाती है उनके अंदर वाय मीडियम ऑफ SHGs ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड उनकी फंक्शनल कैपेसिटी एनहांस करके उनको रोजगार दिया जाता है. तो SHGs एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हैं, जनरेटिंग इंक्रीजिंग द फंक्शनल कैपेसिटी एंड जनरेटिंग द एम्प्लॉयमेंट. ओके सो उसके अलावा SHGs enhancing the social capital. इस social capital भी बढ़ावा दे रहा है, बढ़ा रहा है social capital. Social capital क्या होता है, networking होती है जहां पे लोगों की, social networking. So अभी एक बंदा अकेला है वो कुछ नहीं कर सकता, but जब 10 हाथ मिल जाते हैं तो कोई भी अगर problem है आपको in terms of your finance, in terms of your डेली लाइफ रूटीन, इन टर्म्स ऑफ इशूज विच यू आर फेसिंग योर डेली लाइफ. फॉर एग्जाम्पल इफ यू नो यू आर नॉट गेटिंग एनी प्रोविजन प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर इन योर एरिया, सो SHGs कैन पुट प्रेशर ऑन दी गवर्नमेंट और ऑन दी यू नो लोकल पंचायत टू इंश्योर प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर. तो SHGs क्या होते हैं ना, सोशल कैपिटल को भी बढ़ावा देने के लिए
बढ़ावा दे रहे हैं, यानी कि सोशल कैपिटल भी इससे बढ़ रहा है और SHGs एक सोशल कैपिटल की तरह एक्ट करते हैं, क्योंकि जब आप पार्ट हो जाते हो ग्रुप का तो आप एक बॉन्ड बना लेते हो ग्रुप में एंड देन यू कैन पार्टिसिपेट इन ईच एंड एवरी यू नो इश्यूज एंड ट्राई टू रिजोल्व दोज इश्यूज, तो एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग बन जाती है. सो इफ द सोशल कैपिटल इज एनहेंस्ड देन इट इज ईजियर फॉर यू टू रिजोल्व द इश्यूज विच अराइज एट योर लेवल और एट विलेज लेवल और जो भी आपके लेवल पे जो भी इश्यूज होते हैं तो उन इश्यूज को इजिली सॉल्व कर किया जा सकता है यूजिंग SHGs. ठीक है. और उसके अलावा ये भी देखा गया है कि SHGs से वुमेन एम्पावरमेंट भी हो रहा है ना. SHGs इट इज ऑल्सो यूज बीइंग being providing the women empowerment plus it is also acts as a platform to resolve, so it is resolving various social issues also like dowry. So agar aap various self help groups also they are resolving social issues, resolving matlab they are putting their voice ahead against the social issues like dowry है ना, सेक्सुअल हरासमेंट ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस, तो दीज टाइप ऑफ सोशल इश्यूज एंड मेंस्ट्रुअल हाइजीन ठीक है ना. प्लस पक्का लैट्रिन सिस्टम और यू कैन से इशू ऑफ ओपन डेफिकेशन. ठीक है ना. तो SHGs जो है ना, अगर आप देखेंगे तो SHGs दे एंकरेज द एफर्ट्स फॉर कॉम्बेटिंग प्रैक्टिसेस लाइक दीज और अल्कोहलिज्म आल्सो. अल्कोहल भी बहुत बड़ा इशू है इन रूरल एरियाज, है ना. तो ये सारे सोशल इश्यूज जो है सो दे एक्ट्स एज अ प्रेशर ग्रुप एंड यू नो दे हाईलाइट दीज वेरियस इश्यूज विच आई हैव जस्ट नोटेड डाउन on the board, so they impact the policy decisions in the government and try to impact the you know the local governance and acts as a pressure group. So they act as a pressure group to resolve these type of issues also. So they raise these issues in the village and encourage the collective efforts of the people to raise voice against these issues. So we have seen many examples where self-help group have succeeded in prohibiting alcoholism or you know dowry related harassment and domestic violence related cases in the rural area. So they also provided voice to marginalized sections of society and ensure the women empowerment also. ठीक है. सो वुमेन एम्पावरमेंट कैसे इंश्योर हो रहा है, एक तो वुमेन, क्योंकि क्या है ना SHGs की 95% मेंबर्स ऑफ SHGs आर वुमेन, तो वुमेन एम्पावरमेंट तो हो ही रहा है क्योंकि ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट्स कैन बी क्रिएटेड इन दी विलेज. ठीक है ना. अब जैसे मनरेगा है, मनरेगा क्या कर रहा है, जो कम्युनिटी ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट्स हैं वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है इन दी विलेजेस रूरल एरिया, ताकि वहां पे काम की कमी ना रहे विलेजेस में. ठीक है. तो वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है क्योंकि उनको काम भी मिल रहा है. उसके अलावा जो भी सोशल कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है SHGs की वजह से, ये सारे इश्यूज है, उसको भी आप उसके अगेंस्ट भी आप एफर्ट दे सकते हो स्ट्रांगली, फाइनेंस भी आपको मिल रहा है
और आपका जो स्टेचर है फैमिली में वो भी बढ़ता है इससे। पहले जो आप टेकन फॉर ग्रांटेड माना जाता था लेडीज को, अब वो सेल्फ हेल्प ग्रुप का पार्ट है, तो वो इनकम जनरेट करनी है अपना खुद, जिसकी वजह से उनका जो एक सोशल स्ट्रेचर है एंड फैमिली स्ट्रेचर है वो भी उनका कद बढ़ाया है फैमिली में एंड सोसाइटी में। तो डेफिनेटली इट इज एक्टिंग एज अ कंड्यूट फॉर सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक एनवायरमेंट। तो सोशल में एम्पावरमेंट हो रहा है, ये सारे इश्यूज को सॉल्यूशन मिल रहा है, और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो रहा है। सो इट सेल्फ हेल्प ग्रुप इज एक्टिंग एज ए कंड्यूट फॉर सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। और जो अब गवर्नमेंट भी इसमें काफ़ी हेल्प कर रही है, इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि गवर्नमेंट भी काफ़ी हेल्प कर रही है, लाइक नेशनल रूरल सॉरी लिवलीहुड मिशन, सो NRLM। तो स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, इसके तहत गवर्नमेंट इज फोकसिंग अपॉन मेकिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप इन विलेजेस। मतलब गवर्नमेंट ये इंश्योर कर रही थी कि हर मेंबर एटलीस्ट इन अ फैमिली इज पार्ट ऑफ ए सेल्फ हेल्प ग्रुप, एंड विच हैज बीन देन मर्ज टू नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन NRLM। सो इट बिकम्स नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। सो NRLM इट इज फैसिलिटेटिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ द पुअर टू वेरियस सर्विसेज लाइक बैंक अकाउंट, लाइक उनका बैंक अकाउंट खुलवाना, उनके लिए उनके पैसे को सेव करवाना, उनको इंश्योरेंस फैसिलिटी देना, उनको उनको लोन एंड कैपिटल की फैसिलिटी देना, उनको काउंसलिंग करना, उनकी ट्रेनिंग करना, उनको पेंशन देना, उनको उनको फाइनेंशियली लिटरेट करना ताकि वो अपने बैंक अकाउंट खुद ऑपरेट कर पाए। तो वेरियस टाइप ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज देना नेशनल रूरल हेल्थ लिवलीहुड मिशन जो है इज एनकम्पासिंग ऑल दी फाइनेंशियल सर्विसेज विच कैन बी प्रोवाइड टू टू दी पुअर, अलॉन्ग विद जो स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना की जो जो मैंडेट था टू मेक टू स्ट्रेंथन दी टू स्ट्रेंथ दैट इज नो स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना है ना, टू स्ट्रेंथन दी सेल्फ हेल्प ग्रुप एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल, उनको स्ट्रेंथन करना है एंड टू प्रमोट थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप बाई थ्रू फॉर्मेशन। मतलब इट यू नीड टू फॉर्म द सेल्फ हेल्प ग्रुप एज वेल एज यू नीड टू गिव देम रिक्वायर्ड स्किल, सो स्किलिंग ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। सो दिस SGSY एंड NRLM दे आर प्रमोटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज बाई फॉर्मिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड स्किलिंग प्रोवाइडिंग देम नेसेसरी स्किल। तो आप देखिए गवर्नमेंट भी इसके ऊपर बहुत ध्यान दे रही है, फोकस कर रही है देश में सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऊपर, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप ही वो मैकेनिज्म है जिससे पावर्टी हमारे देश में रूरल एरियाज में दूर की जा सकती है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछा गया था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप इज एक्टिंग एज ए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, यस, फॉर एसेट क्रिएशन, यस, फॉर इनकम जनरेशन एक्टिविटीज, इनकम सिक्योरिटी टू द रूरल पुअर, डेफिनेटली अगर आपको अपना बिजनेस है, अगर आपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर लिया है और आपको रेगुलर जो है आपको एक इंस्टीट्यूशनल मोड ऑफ क्रेडिट भी अवेलेबल है थ्रू SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम, और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन आपको लेंड कर रहे हैं क्योंकि उनको रिफाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल है नबार्ड से और बैंक से, रिफाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल है। नबार्ड ऑलरेडी जानते हैं, नबार्ड जो है रिफाइनेंस करता है MFIs को। नाबार्ड का मैंडेट ही यही है कि रूरल एरियाज में ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को और एग्रीकल्चर को कम से कम प्रेशर देना, यानी कि नॉन नॉन एग्रीकल्चरल वर्क को बढ़ावा देना, दैट इज द मैंडेट ऑफ, क्योंकि एग्रीकल्चर में प्रेशर कम किया जा सके, दैट इज द मैंडेट ऑफ द नाबार्ड NABARD टू दी नॉन फार्म सेक्टर, सो दैट सो एज टू एनकरेज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इन दी नॉन फार्म सेक्टर, नेशनल एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, सो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सो
not only agriculture plus rural development also. So it is providing finance to MFIs to provide loans to people who are employed in agriculture as well as rural development also. ठीक है, तो with this you can conclude the answer by saying that कि these और उसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि जैसे for example जो विशाखा ग्रुप था उसकी वजह से ही, वो भी एक SHG एक NGO टाइप था जिसकी वजह से जो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एंड वर्कप्लेस गाइडलाइंस जो है वो बनी थी, सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी और बाद में गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया था. तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का बहुत बड़ा योगदान है हमारे देश में. ये मतलब ये दे एक्ट एज इट दी प्लेटफॉर्म टू रेज वेरियस सोशल इशूज एंड टू कप वेरियस सोशल प्रॉब्लम्स इन अवर सोसाइटी. प्लस आप एग्जाम्पल दे सकते हैं जैसे सेवा अहमदाबाद में हो गई, कोदम्बेश्वरी केरला में, मायराडर मैसूर में, जिन्होंने ग्राउंड लेवल पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है वुमेन को एम्पावरमेंट करने में. तो आप ये सब चीज़ें लिख सकते हैं और इसके साथ आप आंसर एंड कर सकते हैं. एस एच जीज के ऊपर तो जितना भी बोला जाए उतना कम है, खूब पूरे दिन आप बोल सकते हो एस एच जीज का एडवांटेज एंड ऑल. बट डेफिनेटली एस एच जीज में काफ़ी सारे इश्यूज भी हैं क्योंकि अभी जो समाज है वो बदल रहा है. अभी जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो टेलरिंग शॉप है एंड ये ऑल दो थिंग्स, अभी थोड़ा प्राइमरी एक्टिविटी से हट के भी आपको कुछ और दिशा में भी काम करना पड़ेगा ताकि आपकी जो एक मीगर इनकम जनरेशन होती है ना, अगर आपने टेलरिंग शॉप खोली तो. लेकिन अगर आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी इस्टेब्लिश कर लेते हो या एक बड़ा आप एक फैक्ट्री बना लेते हो जिसमें आप कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर रहे हो बड़ा लेवल पे, तो तब आपकी एक अच्छी इनकम जनरेट आपकी तभी हो सकती है. तो वो अगर आप कर पाते हो तो उसके ऊपर जरूर ध्यान देने की जरूरत है. तो जो प्राइमरी एक्टिविटीज में अभी जो एक मीगर इनकम जनरेट होती है सेल्फ हेल्प ग्रुप से, उसको थोड़ा सा अब उसको और आगे एक्सपेंड करने की जरूरत है. गवर्नमेंट उसको ध्यान दे ताकि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मदद से सेकेंडरी एक्टिविटीज में भी लोगों को इन्वॉल्व किया जा सके. ठीक है, ये आप एक जैसे पॉइंट आप लिख सकते हैं एंड विद दिस यू कैन एंड योर आंसर. ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल टेक क्वेश्चन नंबर 18 आफ्टर सम टाइम. ओके, थैंक यू.